हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो एक स्ट्रेटेजी है जो आपको सभी को शायद पता होगा। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे हिकेनाशी कैंडल यूज करके आप लोग लॉन्ग टर्म में कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो ये जो लॉन्ग टर्म वाला है, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आप जरूर देख चुके होंगे कि हिकेनाशी कैंडल होना चाहिए, और अगर मेरा 5 SMA 55 SMA को क्रॉस करता है और डे चार्ट में, और अगर मेरा RSI 55 के ऊपर है और जिस दिन क्रॉस करता है उसके अगले दिन अगर एक ग्रीन कैंडल बना, तो उसके अगले दिन हम लोग ट्रेड में घुस जाएंगे लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पे हम लोग 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, जब तक हम लोग को टारगेट अचीव नहीं होता या फिर जब तक हम लोग का एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें बहुत कम सिग्नल मिलता है। शायद 1 साल में, 2 साल में एक सिग्नल मिलेगा, लेकिन जो सिग्नल मिलता है वो एकदम जबरदस्त सिग्नल होता है। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत जगह में मिल जाएगा। तो ये बहुत जन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये स्ट्रेटेजी हम लोग स्ट्रीक में बनाएंगे कैसे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आपका रहेगा डे चार्ट। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप लोग इसको पेन पेपर लेके इसको लिख के रखिए, बहुत जगह में आपको काम आएगा। कैसे हम लोग ये जो फंक्शन सब यूज करने वाले हैं, कैसे हम लोग स्ट्रीक में अप्लाई कर रहे हैं उसको, ये जानने के लिए बहुत ही प्लीज डोंट कंसीडर इट इज अ स्ट्रेटेजी वीडियो। आप लोग इसको देखिए कि हम लोग फंक्शंस और इंडिकेटर्स को कैसे स्ट्रीक में लगाते हैं इसके हिसाब से। तो 1 डे हम लोग कर दिए। एंटर नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम लोग फिलहाल इसको लगा देते हैं 10, 10 नहीं 100। पहले से बता रहा हूँ, एकदम प्योर लॉन्ग टर्म है। शायद 2 साल में एक सिग्नल आएगा या फिर ना भी आ सकता है, लेकिन निफ्टी 50, निफ्टी 100 में आपको बहुत सारा रहता है। तो शायद आपको 1 महीना में एक मिल जाए, या फिर 1 साल में दो दो 3 महीने में एक मिल जाए, या तो 1 साल में 5 मिल जाए, ऐसा मिलेगा आपको। तो हम लोग पहला जो लगाएंगे वो है SMA। तो SMA मेरा क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, तो हमारा 9 SMA ऑफसेट -2 होगा, सॉरी -2। ये मेरा क्या होना चाहिए, क्रॉसेस अबव होना चाहिए, क्रॉसेस अबव मेरा होना चाहिए SMA 55, और मेरा ऑफसेट होना चाहिए -2। मैं बार बार -1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कंडीशन मेरा क्या होना चाहिए, RSI जो होना चाहिए, RSI किसका, -1 वाला, मतलब पिछला दिन का, जिस दिन मैं घुसूंगा उसका पिछला दिन का। -1 शुड बी हायर देन द नंबर 55। हो गया मेरा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पिछला दिन का कैंडल मेरा ग्रीन होना चाहिए। तो मेरा प्रीवियस एन जो होगा उसका मेरा जो क्लोज होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हायर देन द प्रीवियस डेज ओपन। तो मेरा प्रीवियस डेज का ओपन मतलब जो क्लोज है वो अगर ओपन से ऊपर है तो इसका मतलब वो कैंडल मेरा ग्रीन है, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए कि मेरा प्रीवियस दिन का जो ओपन है वो 2 दिन पहले का जो क्लोज है उसके ऊपर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गैप डाउन ओपन हो गया फिर जाके ऊपर क्लोज हुआ, तो शायद वो ग्रीन बने लेकिन वो शायद क्रॉस भी ना कर सके लास्ट 2 डेज का। तो उसी लिए हम लोग इसको लगा रहे हैं अभी। तो प्रीवियस डेज का जो मेरा ओपन है दैट शुड बी हायर देन मेरा प्रीवियस डे का जो मेरा -2 कैंडल का जो क्लोजिंग है। हो गया, सारा एंट्री कंडीशन डाल चुके हैं। एग्जिट कंडीशन, अब 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग स्टॉप लॉस में जाएंगे या तो हम लोग एग्जिट कंडीशन डालेंगे। तो हम लोग फिलहाल जाएंगे एग्जिट कंडीशन में। स्टॉप लॉस में जाएंगे नहीं, लॉन्ग टर्म हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट एग्जिट कंडीशन में। ठीक, इसका उल्टा होगा तो निकलेंगे, कोई स्टॉप लॉस नहीं। एग्जिट ठीक इसका उल्टा होगा तो हम लोग निकले, और उल्टा कब होगा, उल्टा में हम लोग को प्रॉफिट दे के ही जाएगा ये, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जो स्ट्रेटेजी बहुत जगह में है उसमें देख लीजिएगा, एग्जिट कंडीशन ही होता है वहां पे। आप बोलेंगे 99% स्टॉप लॉस, 99% स्टॉप लॉस होगा ही नहीं अगर मेरा एग्जिट कंडीशन हो गया ना। एग्जिट कंडीशन आपका 10% में ही चला जाएगा, ठीक है। तो उल्टा बनाएंगे एग्जिट कंडीशन। तो SMA मेरा 9 पीरियड का SMA, ये मेरा ऑफसेट क्या होना चाहिए, ऑफसेट होगा -1। ये मेरा क्या होना चाहिए, क्रॉसेस क्रॉसेस बिलो मेरा SMA होना चाहिए 55। 55 यहाँ पे ऑफसेट में डाल देता हूँ -1। देन
दूसरा कंडीशन क्या डालेंगे, आर एस आई शुड बी लोअर देन आर एस आई, ये माइनस वन होना चाहिए, शुड बी लोअर देन मेरा कौन सा नंबर होना चाहिए, एक गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं आपको बताने वाला हूं अभी, रुकिए एक बार, आई हैव जस्ट मेड अ मिस्टेक, ये जो एस एम ए है ना ये माइनस टू का होना चाहिए, मैं इसको माइनस वन लिख दिया हूं, गजब मतलब गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है अब सही है। अब तीसरा कंडीशन मेरा क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड होना चाहिए, तो मेरा क्या होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का जो मेरा ओपन होना चाहिए माइनस वन का, वो क्या होना चाहिए, वो हायर देन होना चाहिए मेरा प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है माइनस वन वाला, मतलब पिछला दिन का, परफेक्ट। और एक कंडीशन क्या, रेड होना चाहिए, तो प्रीवियस कैंडल का जो मेरा ओपन है, प्रीवियस कैंडल का जो मेरा ओपन है माइनस वन का, वो क्या होना चाहिए, लोअर देन होना चाहिए मेरा प्रीवियस डे का जो माइनस टू कैंडल का क्लोज है। मेरा डन, मेरा एग्जिट कंडीशन हो चुका है, यही मेरा स्टॉप लॉस है, यही मेरा एग्जिट कंडीशन है, सब कुछ मेरा यही है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ नहीं डालता हूँ फिलहाल। मैं टारगेट प्रॉफिट जो है उसको मैं इतना चाहिए एक साल में 10% फिलहाल, इसको हम लोग 3 साल सोच के चलते हैं, हम लोग चलते हैं 30% में चलते हैं, या फिर 50% जो भी आप बोलेंगे, मैं फिलहाल अभी डाल के रखता हूँ 20% 30% जो भी, अभी 30% डाल के रखता हूँ, ठीक है, या तो अगर आप बोलेंगे तो 50% भी डाल के सक सकते हैं इसको, तो 50 अभी फिलहाल 30 रख देते, चलिए बाद में देखा जाएगा। तो एडवांस में चले जाते हैं, एडवांस में 2018 से 2023 ठीक है, 9 AM to 11:59 कुछ नहीं चेंज करना है, कैंडल स्टिक को हेकनाशी करना है, ये मत भूलिएगा, कैंडल स्टिक को हेकनाशी करना है। अभी ये है अल्ट्रा लॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो इसको हम लोग डाल दिए, और यहाँ पे जो मेरा वन डे था ये हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग को यहाँ पे स्टॉक्स डालना है, तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए रिलायंस SBIN, डालते जाइए जो भी आएगा डालते जाइए, ICICI कहाँ गया, CI बैंक, ठीक है, UPL, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, टाटा मोटर्स, अदानी, और क्या क्या है, और क्या चाहिए, इन्फी एल्टी, जो जो भी चाहिए आपको, और क्या डालते हैं, ये एक्चुअली आपको पहले स्कैन करना चाहिए फिर देखना चाहिए, तो मैं अभी फिलहाल डाल देता हूँ, ठीक है, इतना ही रहता है, यूपीएल डाल दिया था, और कुछ एक्सिस बैंक, PNB, तो इसमें आपको मिलेगा बहुत सारा स्टॉक्स में, ये होगा नहीं ट्रेड मेरा हिसाब से, और बहुत सारा स्टॉक्स में होगा, तो अभी देख लेते हैं इसका हम लोग का क्या रिजल्ट्स आता है। तो हम लोग CNC नॉर्मल कर चुके हैं, कैनाशी कर चुके हैं, PCT रखे हैं, 30% रखे हैं, लोअर देन प्रीवियस क्लोज टू वन, ठीक है, एकदम बराबर है। अभी हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं, तो लेट्स सी द रिजल्ट। तो ये इसमें मेरा हिसाब से बहुत कम ट्रेड आने वाला है, क्योंकि ये एकदम सिर्फ आपको एक साल में 2 साल में एक ही बार उसका सिग्नल मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है आपको जबरदस्त मिलेगा। अभी फिलहाल देखते हैं क्या आ रहा है, एक में काम नहीं कर रहा है वो कि इंफोसिस है, और बाकी जितना भी स्टॉक्स है उसमें काम कर रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स लगा के इसमें, जैसे सिप्ला हो गया, MRF डाल देते हैं, और डाल देते हैं 2-3 स्टॉक्स, UPL डाल दिए हैं, ये डाल दिए हैं, टाटा मोटर्स डाल दिए हैं, और हम लोग टाटा पावर डाल देते हैं, टाटा पावर, और भी कुछ स्टॉक्स देखेंगे, PNB डाल दिए, SBI डाल दिए, एक्सिस बैंक डाल दिए, HDFC बैंक डाल दिए, फिर नेक्स्ट हम लोग डालेंगे सिप्ला हो गया, कुछ इसमें देख लेते हैं और कौन सा सेक्टर में हम लोग देखना चाहते हैं, और बेटर क्या क्या है हम लोग का देख लेते हैं यहाँ पे डालने के लिए, अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा मेरा, हीरो मोटोकॉर्प,
आईओसी, ओके, हिरोमोटोकॉर्प आईओसी, ठीक है। और क्या है, हिरोमोटोकॉर्प आईओसी, कोल इंडिया, कोल इंडिया, तो बहुत सारा डाल दिया हूँ। अभी सेव एंड बैक टेस्ट करके देखते हैं कितना आता है। तो जनरली इसमें आपका 80-90% जो भी आप टारगेट देंगे वो टारगेट आपका लगभग अचीव हो जाता है। कुछ कुछ स्टॉक्स में आपका ये चलता नहीं है, वो आपको बैक टेस्ट बहुत दिन का करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तो सिर्फ एक ही में आपका ये काम नहीं कर रहा है, इंफोसिस, बाकी जो जो है उसमें बहुत सारा ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीरो मोटोकॉर्प में ये अभी घुसा है लेकिन इसमें निकला नहीं है वो। HDFC बैंक में ये घुसा है लेकिन अभी तक उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, मतलब वो शायद 20% के आसपास होगा, उसीलिए वो निकला नहीं है। तो इसको अगर देखेंगे हम लोग फॉर एग्जाम्पल 10%, तो वो शायद 10% अचीव कर गए होंगे। अभी देख लेते हैं फिर से हम लोग, तो वो 20% के आसपास रुका है अभी, आपका टारगेट फुलफिल होने तक वो वेट कर रहा है। आप सब में देखिए, जो जो मैं अचीव हो चुका है उसमें 10% आएगा आपका, सिर्फ सिप्ला छोड़ के, सॉरी इन्फी छोड़ के। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक भी आ चुका है, यहाँ पे देखिए HDFC बैंक जो दिखा रहा था आपका नहीं हुआ, वो आपका 10% का टारगेट करके चला गया है, मतलब ये 10% का ऊपर ही है। अभी हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी 10% नहीं किया है, वो 9% के आसपास होगा, 7-8%। तो PNB भी उसी के आसपास होगा, उसीलिए नहीं हुआ है। तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है जो ये मेरा है एक्चुअली। तो ये आपका बहुत जगह आपको ये मिलेगा हेकन आशी में, आपको लॉन्ग टर्म में, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म में कैसे आप करेंगे। तो इसमें इन्फोसिस में प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन इन्फोसिस, बिकॉज यहाँ पे आपका इन्फोसिस में ये काम नहीं करने वाला है, इंफोसिस में, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 स्टॉक अगर इन्वेस्ट कर दिया और उसमें -15% ले रहे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे इंफोसिस आपको चेक करना है कौन सा सेक्टर में ये काम कर रहा है। तो उसमें अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे TCS, तो शायद ये TCS में काम ना करें मेरा हिसाब से, तो आपको देखना पड़ेगा। तो कौन सा सेक्टर में ये काम कर रहा है, और इनफैक्ट इसका जो नंबर ऑफ ट्रेड से बहुत कम होता है। और ये वीडियो से हम लोग क्या सीखे, बहुत जन इसको क्या ले लेगा, इस वीडियो को सोचने लगेगा कि यही वीडियो में ये तो काम नहीं कर रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो ये मेरा कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, ये सिर्फ वो जो स्ट्रेटेजी है हिकन आशी अगर रहे और वो आपका ऐसे में कैंडल क्रॉस करेगा 55 को, और उसके अगले दिन अगर ग्रीन कैंडल बना तो आप लोग लॉन्ग टर्म में घुस जाइए, और ठीक ठीक उल्टा हुआ तो आप लोग निकल जाइएगा। और इसके ऊपर आपको स्टॉक का भी, प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो और उसका कोई रिजल्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सब भी आपको हर समय देखना पड़ेगा। वो कोई नहीं सोचता है कि वो सब देखने का जरूरत है कि नहीं, सिर्फ डायरेक्ट चार्ट्स नहीं, तो वो तो आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो उस स्ट्रेटेजी जो है, उस स्ट्रेटेजी को जो बोला जाता है कि अगले दिन हम लोग घुसेंगे, तो उसको हम लोग स्ट्रीट में कैसे अप्लाई करें, तो यही ये वीडियो उस चीज को हम लोग अभी किए हैं कि हाउ टू अप्लाई दैट स्ट्रेटेजी इन स्ट्रीट। ये था वीडियो का मेन मोटो। तो आप लोग इसको देखिए, इसको और भी अगर बेटर कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है। आपको 3-4 साल में अगर एक ही सिग्नल मिला, लेकिन ये रहता है कि वो जो सिग्नल मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इन्फी में सिर्फ काम नहीं कर रहा है, बाकी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ये काम करते रहता है। और मार्केट आपको पता है कि बहुत ज्यादा, मतलब नीचे और ऊपर हो रहा था इस टाइम पे, कोरोना भी आया था बीच में, तो उसका बीच में भी आपका देखिए यहाँ पे सिग्नल सिर्फ वही मिला है लगभग जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली में बहुत ही कम है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स इज क्वाइट लो। आपको एक साल में शायद एक ही सिग्नल मिले या फिर दो ही सिग्नल मिले, और वो भी दो तीन स्टॉक्स में। यहाँ पे सिर्फ मैं 10-15 लगाए हूँ, तो निफ्टी 50 में देखेंगे तो आपको एक साल में 3-4 ही मिलेगा स्टॉक्स इसमें लगा सकते हैं। और आपको चेक करना पड़ेगा बैक टेस्ट रिजल्ट में कौन सा इसमें काम कर रहा है कि नहीं, किसमें नहीं कर रहा है। तो उसमें पेपर ट्रेडिंग में वो एक दो आपका हो ही सकता है, तो इसमें 7 out of 6, 6 out of 7, मतलब लगभग आप पकड़ सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 90% के आसपास, 90-80, 80-90% के आसपास इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स में काम करता है लगभग। तो आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं पहले फिर से बता देता हूँ कि प्लीज डोंट टेक कंसीडर इट एज अ स्ट्रेटेजी वीडियो, कंसीडर इट एज अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको उस स्ट्रेटेजी को, जो कि एक है स्ट्रेटेजी, या फिर आप सोच लीजिए वो स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी को आप लोग स्ट्रीट में कैसे अप्लाई करेंगे यूजिंग द इंडिकेटर्स, इसके बारे में ये वीडियो था। हाउ टू यूज द ओपन कैंडल, हाउ टू यूज द क्लोज कैंडल, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, हाउ टू यूज द
आशी एज अ चार्ट, हाउ टू यूज एसएमए और उसमें हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये वाला है। और दूसरा हमारा दो चैनल और हैं, एक है मीडियम ग्रेड स्ट्रीक का, तो यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल स्ट्रीक में हम लोग डिस्कस करते हैं, और इससे भी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा लो लेवल में जाना चाहते हैं तो एक और चैनल है बुल्स प्लस बियर्स ऑफिशियल बोल के, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और एकदम बिगिनर्स लोग के लिए और एक स्ट्रीक का चैनल है बुल्स प्लस बियर्स एल्गो बोल के, एकदम बिगिनर्स है, उसको भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम व्यक्ति ने ज्वाइन किया अभी तक, अराउंड 35-36, तो जो लोग एकदम बिगिनर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जरूर, तो मेरे पास एक रिगी ऐप का चैनल है, उसको उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अगर आपको स्ट्रिक के बारे में अलग से कुछ जानना है तो, क्योंकि वहां पे मैं डेली स्ट्रिक के बारे में कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, दूसरे चैनल्स को भी आप घुस के देखिए अगर आपको थोड़ा लोअर लेवल में देखना है, और इसको जरूर शेयर कीजिए। तो डोंट कंसीडर इट एज अ स्ट्रेटजी चैनल और अ चैनल विद शेयर स्ट्रेटजी, प्लीज टेक इट एज अ लर्निंग वीडियो टू लर्न हाउ टू अप्लाई द इंडिकेटर्स, हाउ टू यूज द इंडिकेटर्स, मतलब एक स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में है उसको आप लोग कैसे स्ट्रिक में डालेंगे, इसके ऊपर ये वीडियो, इसके ऊपर ये चैनल है। आपको स्ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ, आपको मैं स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।